मध्य प्रदेश में बीजेपी के कद्दावर नेता और कृषि मंत्री कमल पटेल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कार्यकर्ताओं को पार्टी को जिताने और अपने बूथ को मजबूत करने के लिए भोलेनाथ की शपथ दिलवा रहे हैं। कमल पटेल ने कार्यकर्ताओं को भोलेनाथ की शपथ दिलाई तो सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। हरदा जिले के खिड़किया में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंत्री कमल पटेल ने जो किया उसने विरोधियों को तंज कसने का मौका दे दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के मंत्री ने जो किया उससे बीजेपी में हार का भय झलकने लगा है। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को गुप्तेश्वर महादेव की शपथ दिलाने के दौरान मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक अपने बूथ को मजबूत करना है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हो जाने तक संकल्प के साथ डटे रहना है। एक एक घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और कामों के बारे में बताना है और पोलिंग बूथ तक मतदाता को ले जाकर कमल का फूल खिलाना है। गौरतलब है हरदा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री कमल पटेल लगातार सुर्खियों में छाए रहते हैं। बीते 14 मई को राजधानी भोपाल में जाट महाकुंभ आयोजित किया गया था। दरअसल इस महाकुंभ में जाट आरक्षण की बात को लेकर हंगामा हो गया। दिल्ली के आप विधायक जब इस संबंध में बोलने लगे तो कमल पटेल उन्हें रोकने पहुंच गए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।